ओके सो वेलकम अगेन टू द लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिंक्ड लिस्ट के बेसिक ऑपरेशंस पे डिस्कशन किया था। फिर रिमेंबर हमने क्रिएशन की बात की थी, इंसर्शन की बात की थी। विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्ले द नोड्स ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। इंसर्शन हमने देखा था, इंसर्ट इन फर्स्ट पोजिशन, इंसर्ट इन मिडिल पोजिशन, इंसर्ट इन लास्ट पोजिशन, राइट। तो ये तो हमने देख लिए बेसिक ऑपरेशंस ऑफ लिंक्ड लिस्ट। लेकिन अब हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस देखने लिंक्ड लिस्ट पे जो जनरली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, दीज आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट, राइट। लेकिन अब यदि आपसे बोला जाए, सपोज सी लिंक लिस्ट हमारा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है ना। इफ यू रिमेंबर हमने बात ही करी है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की, क्योंकि अरे में तो हमारे पास साइज होती है, राइट right? कि अरे में पता है इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट तो अनलिमिटेड है ना। आप कितने नंबर ऑफ नोड बना रहे हैं लिंक लिस्ट में, दैट इवन यू डोंट नो, राइट। लेकिन समटाइम्स इट मे बी आस्क, समटाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड इन लिंक लिस्ट प्रोग्रामिंग। अगर आप लिंक लिस्ट को लेकर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो समटाइम्स वी नीड दैट, कि मुझे ये पता करना है कि मेरी लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड कितने हैं। दैट मीन्स यू नीड टू काउंट द नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। सपोज अगर ये मेरी लिस्ट है एंड दिस लिस्ट कंसिस्ट विद दिस नोड, सपोज ये मेरी लिस्ट में नोड है एंड हम लोगों ने ये लिस्ट क्रिएट की है। सपोज यू हैव एन एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50, एड्रेसेस आर 1012, दिस इज नल, 4076, दिस वन इज 4076, 1182, दिस इज 1182, ओके 7619, दिस इज 7619, ओके एंड सपोज दिस इज 3016 एंड हियर स्टार्ट। ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है। अब ये अभी नोड जो हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज नॉट मींस लिमिटेशन ऑफ दिस नोड, कि मैं 5 ही नोड क्रिएट करूंगा या मैं 6 ही नोड क्रिएट करूंगा, बिकॉज इट्स अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। हम लोगों ने क्रिएशन के टाइम देखा है कि नंबर ऑफ नोड कितने क्रिएट होंगे, इवन इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट यदि सपोज अगर मुझे काउंट करना है कि मेरी लिस्ट में नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तो हम इसको थ्योरेटिकल भी समझते हैं पहले एक बार क्लासरूम लेक्चर में, और फिर इसी ऑप्शन को आज मैं आपको जितने भी ऑप्शन बताने वाला हूं, ठीक है, हम काउंटिंग की बात करेंगे, हम इसके बाद सर्चिंग की बात करेंगे, हम सॉर्टिंग की बात करेंगे, तो इनके सारे ऑप्शंस हम हमारे मेनू में ऐड करके इनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखते जाएंगे। तो यदि मुझे ये काउंट करना है कि मेरी लिस्ट में नंबर ऑफ नोड कितने हैं, सो हाउ वी काउंट द नोड इन द लिंक लिस्ट, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं काउंट। ये फंक्शन आपको कहां लिखना है, जो आपने लिंक लिस्ट का कोड लिखा है ना, लिंक लिस्ट का ऑलरेडी हमारा कोड चल रहा है जिसमें मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, उसी में आपको एक और ऑप्शन ऐड करना है काउंटिंग का। कि अभी हमने मेनू में ऑप्शन लिए थे, फिर रिमेम्बर, वन नंबर पे क्रिएट, ठीक, ये हमारा कुछ इस तरीके का मेन्यू था, वन इज क्रिएट, ओके, टू इज इंसर्ट फर्स्ट, थ्री इज इंसर्ट मिडिल, इसी में आपको एक ऑप्शन और ऐड कर देना है काउंट द नोड, और वो हमारी एक चॉइस होगी प्रोग्राम में। कि यदि मान लो मेरा काउंट, मैंने ये यदि सपोज मैंने चॉइस एंटर करी है, तो वॉट एवर द चॉइस इट मे बी, सपोज 9, सो दैट मुझे ये पता चल जाए कि मेरी लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड कितने हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया काउंट के नाम से। अब इस काउंट वाले फंक्शन में मुझे कोड लिखना है, सो दैट आई विल जस्ट काउंट द नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। तो देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, कि यदि आप काउंट नोड नाम का फंक्शन बना रहे हैं, सपोज द फंक्शन नेम इज काउंट नोड, तो सिंपल एक वेरिएबल लेना है काउंट के नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी है, 0। अब इसका लॉजिक क्या है, मुझे एक टेम्पररी पॉइंट, इट्स अ लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम इज सिमिलर एज डिस्प्ले, ना, इट्स अ डिस्प्ले। कि हमने डिस्प्ले में क्या किया था, इफ रिमेंबर, हमने फर्स्ट नोट से लेके एंड नोट तक के सारे नोट डिस्प्ले किए थे, वही लॉजिक मुझे यहां लिखना है, कि मुझे फर्स्ट नोट से एक पॉइंटर स्टार्ट करना है, जब तक वो नल नहीं हो जाता है, ओके, तब तक मुझे काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाना है। सो सी दिस वन, क्या किया हमने, टेम्प को स्टार्ट किया स्टार्ट से, लूप हमने लगाया व्हाइल टेम्प Not equals to null, ठीक। और अगर आप डिस्प्ले का कोड देखें, तो यहां पर हमने temp of data को हर बार प्रिंट किया है, वो ना करके हम यहां पर क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस, दैट्स इट, एंड देन temp को आगे मूव किया, temp equals to temp of at, एंड दैट्स इट, ठीक। एंड आफ्टर दिस लूप जस्ट प्रिंट इट, प्रिंट एफ टोटल नोड is percentage d comma,
okay, and then close this function. So this is the simple program for counting the node of the list. कि आपके नोड किस तरीके से काउंट हो रहे हैं, सी दिस वन. इसका अगर हम ड्राई रन एग्जीक्यूशन देखें तो हमारे काउंट की इनिशियल वैल्यू कितनी है, जीरो. इनिशियली काउंट इज जीरो. टेम्प हमारा कहां पर है, स्टार्ट पे. ओके, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, यस, टेम्प नॉट इक्वल टू नल. टेम्प पे जो एड्रेस है वो 3016 है, विच इज नॉट इक्वल टू नल. ओके, क्या होगा, काउंट प्लस प्लस. तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, वन. temp equals to temp of it, temp अपने address पे आ गया, मतलब temp यहां पर आ गया. okay, temp not equal to null, yes, count plus plus, now count become two. temp not equal to null, true, temp यहां आ गया. temp not equal to null, yes, count plus plus, three. again temp increase by one, temp आपका यहां से यहां आ गया. ठीक है, temp not equal to null, true, count plus plus, four. temp equals to temp of it, temp आपका अभी यहां पर आया. और ये discussion हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, अभी temp null नहीं है, टैंप में अभी है 1012. टैंप का एड्रेस नल है और हमने कंडीशन दी है टैंप नॉट इक्वल टू नल. ओके, तो टैंप नॉट इक्वल टू नल, अगेन इट्स ट्रू. काउंट प्लस प्लस, काउंट कितना हो गया, 5. टैंप इक्वल्स टू टैंप ऑफ इट. अब टैंप में क्या आ जाएगा, नल. और जैसे ही नल आएगा वैसे ही आपका लूप कंप्लीट. व्हेन लूप इज कंप्लीट द वैल्यू ऑफ काउंट इज 5. हमने प्रिंट कर दिया टोटल नोड इज 5. तो सी दिस वन, 1 2 3 4 5, दीज आर द टोटल नोड इन दिस लिस्ट. सो दिस इज हाउ वी काउंट द नोड ऑफ द लिस्ट. क्योंकि इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट आपको कई बार अलग अलग इंप्लीमेंटेशन में आ सकती है कि इफ यू वांट टू काउंट द नोड, और काउंट करके मुझे ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है. ओके, सो दिस इज द सिंपल वे टू काउंट द नोड ऑफ द लिस्ट, कि हाउ टू काउंट द नोड ऑफ द लिस्ट. ओके, सो आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दिस, कि कैसे हम लिंक लिस्ट के नोड को काउंट करेंगे. ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन. और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हाउ टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम लिंक लिस्ट. हमने सर्चिंग अरे में तो पड़ी है, लेकिन वही सर्चिंग अगर हम लिंक लिस्ट पे परफॉर्म करेंगे तो हाउ वी सर्च द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. क्योंकि देखिए, सर्चिंग के लिए कोई अरे बैकग्राउंड होना कंपलसरी नहीं है. हम बात करते हैं सर्चिंग मींस व्हेन यू हैव अ बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, इधर इन स्टैटिक फॉर्मेट और डायनेमिक फॉर्मेट. बिकॉज सर्चिंग इज अ लॉजिक, इस लॉजिक का इंप्लीमेंटेशन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इस लॉजिक का इंप्लीमेंटेशन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर पर भी हो सकता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सर्चिंग द एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट. ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं सर्चिंग के. थैंक यू.